आज दोस्तों लेकर के आई हूँ आप लोग के लिए एकदम आसान तरीके से लौकी के हलवा बनाने की रेसिपी। दोस्तों इन्हें बनाने के लिए ना ही हमें खोआ चाहिए, ना ही मावा चाहिए, ना ही मिल्क पाउडर चाहिए दोस्तों। और 1 से 2 चम्मच के घी में दोस्तों ये हलवा बन करके एकदम लच्छेदार सुपर टेस्टी हलवाई स्टाइल में बन करके तैयार हो जाएगा घर पर इजी तरीके से। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे, कैसे मैं बना रही हूँ आप लोग से बतलाऊंगी। अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा शेयर करिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं हलवा बनाने की। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लालसा के रसोई में। तो यहाँ पर देखिए हलवा बनाने के लिए यहाँ पर बड़ा साइज का मैं एक लौकी रखी हूँ दोस्तों। इस तरीके से जो पतला लौकी आता है ना, तो वही रखना है हमें हलवा बनाने के लिए। और यहाँ पर एकदम ताजा लौकी चाहिए दोस्तों, और जो चाहिए नरम चाहिए लौकी। तो सबसे पहले हम इन्हें छील लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अच्छा से मैं छील ली हूँ, और छीलने के बाद में लौकी हमें धो लेना है। और यहाँ पर छोटा छोटा पीस में मैं काट रही हूँ दोस्तों लौकी इस तरीके से। और अब हम घिसेंगे। घिसने के लिए दोस्तों एक लौकी को हमें 2 टुकड़ा में इस तरीके से फाड़ा कर लेना है। और यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो अंदर होता है ना, अंदर का भाग जो बीज वाला होता है, तो इस तरीके से चाकू से हम क्या करेंगे, काट करके निकालना है हमें। ये इसमें क्या होगा दोस्तों, बीज एक भी नहीं जाएगा, और अच्छा से ये हमारा लौकी घिस करके तैयार होगा। यहाँ पर देखिए, अच्छा से इसी तरीके से हम काट करके चाकू से, और ये आसानी से निकल जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से निकाल करके हमें सारा लौकी से बीज इनका निकाल करके रख लेना है। ये बीज दोस्तों आप सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से मैं सारा लौकी को निकाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, दिखा रही हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसी तरीके से हमें सारा लौकी में से निकाल लेना है। तो चलिए सारा लौकी में से निकाल करके आप लोग से दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, सारा लौकी इसी तरीके से मैं बीज अलग कर ली हूँ दोस्तों, और लौकी को अलग कर ली हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, घिसने में आसानी रहता है। तो इस तरीके से जरूर निकालिएगा। यहाँ पर हम ग्रेट करेंगे लौकी के। तो यहाँ पर जो मोटा वाला जाली होता है ना दोस्तों, तो उसी में हमें करना है। देखिए इस तरीके से सारा लौकी को हम घिस लेंगे। यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग बनाइएगा तभी आप लोगों को लौकी घिसना है, जब हलवा बनाने का होगा ना जब भी घिसना है, क्योंकि ये लौकी ज़्यादा देर रख देंगे अगर घिस के इस तरीके से, तो क्या होता है काला पड़ जाता है। तो जब आप लौकी बनाइए हलवा तो उसी टाइम में घिसिएगा जरूर। यहाँ पर देखिए, सारा लौकी मैं इसी तरीके से घिस ली हूँ। चलिए अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं रखी हूँ गैस पर कढ़ाई, और इसी में डाल देंगे हम 1 छोटी चम्मच घी। दोस्तों यहाँ पर ज्यादा हम घी नहीं डाल रहे हैं, एकदम आसान तरीके से ये हलवा बनाना बतलाऊंगी। घी मेल्ट हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं रखी हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा है किशमिश, काजू और थोड़ा सा बादाम, इस तरीके से लंबाई में काट ली हूँ। और काजू को 2 टुकड़ों में हमें कर लेना है। घी गर्म हो गया दोस्तों, इसी में हम सारा डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर आपके पास में जो हो डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं दोस्तों। इन्हें हम 1 से 2 मिनट के लिए दोस्तों अच्छा से थोड़ा सा कलर लाना है हमें, एकदम एक क्रंची हो जाएगा ना, तो इन्हें इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इन्हें जरूर भुनिएगा। यहाँ पर देखिए, जो घी बचा है ना दोस्तों, उसी में हम क्या करेंगे, जो लौकी हम घिस के रखे हैं इसी में डालेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको घी कम लग रहा होगा तो 1 चम्मच और यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सारा लौकी इसी में मैं डाल देती हूँ, और लौकी डालने के बाद में अच्छा से हमें इन्हें मिक्स कर लेना है इस तरीके से। लौकी में दोस्तों काफी पानी छोड़ता है, तो इन्हें सबसे पहले हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में इन्हें हम क्या, यहाँ पर देखिए ढक दी हूँ, और ढक करके दोस्तों यहाँ पर हमें 5 मिनट के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छा से इन्हें हमें पानी इनका सुखा लेना है। अगर आप गैस हाई पर रखिएगा तो इन्हें बीच बीच में 1-2 बार चला दीजिएगा, अच्छा से इसका पानी सूख जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, लगभग 5 मिनट हो गया है, और 5 मिनट के बाद में अच्छा से हमारा लौकी में जो पानी है ना, वो अच्छा से सूख गया है। ये दोस्तों अच्छा से पानी सूख गया है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पर दोस्तों 1/2 लीटर मैं दूध रखी हूँ, पहले ही उबाल ली हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, दूध मैं सारा डाल देती हूँ इसी में। यहाँ पर पहले से उबला हुआ दोस्तों दूध है, अगर नहीं उबला होगा तो यहाँ पर आप उबाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सारा दूध डालने के बाद में अच्छा से हमें मिक्स कर लेना है दोस्तों, और डाल करके अच्छा से इन्हें हमें दूध सूखने तक पकाना है। तो दोस्तों ये आज की रेसिपी एकदम आसान तरीके से बतला रही हूँ, तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले से उबला हुआ दूध मैं डाली थी, गर्म नहीं डाली थी, तो इसीलिए हल्का दूध फट गया है। अगर आप इससे भी सुपर टेस्टी हलवा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार क्या करिएगा, हलवा में डालने से पहले हमें दूध उबाल लेना है दोस्तों, उसके बाद डालिएगा तो दूध नहीं फटेगा, नहीं तो इसी तरीके से आप लोग भी दूध फट जाएगा। तो दोस्तों इस बार मुझसे गलती हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, ना ही खोआ डाल रहे हैं, ना ही मावा डाल रहे हैं, ना ही मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। तो इससे एकदम सुपर टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैं रखी हूँ दोस्तों फ्रेश ताज़ा मलाई, जो दूध की मलाई ऊपर आती है ना, उसी के 4 चम्मच यहाँ पर मलाई रखी हूँ। और इन्हें अच्छा से मैं फेंट ली हूँ दोस्तों।
अब यहाँ पर मैं घी कम डाली हूँ, नहीं खोआ डाल रही हूँ, नहीं मावा डाल रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर डालेंगे हम मलाई, इससे एकदम सुपर टेस्टी क्रीमी बनेगा हमारा हलवा। और यहाँ पर ज़्यादा घी के भी काम करेगा दोस्तों, और मावा खोआ का भी काम करेगा। ये मलाई जरूर आप लोग डालिएगा, एकदम आसान तरीके से सुपर टेस्टी कम सामान से बन करके रेसिपी तैयार हो जाएगा। देखा दोस्तों आपने कितना आसान तरीके से रेसिपी मैं बतला रही हूँ। तो दोस्तों अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी कहीं से भी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगी। पर देखिए मलाई मिला ली हूँ दोस्तों अच्छा से, 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे स्वाद के अनुसार चीनी। तो यहाँ पर 5 से 6 चम्मच मैं चीनी डाली हूँ दोस्तों। अपने के स्वाद के अनुसार से यहाँ पर आप चीनी डाल सकते हैं, मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर चीनी नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर मिश्री भी आप बुक करके डाल सकते हैं दोस्तों। अब चीनी डाल करके अच्छा से हमें मिक्स करना है, जो भी चीनी में पानी छोड़ेगा ना दोस्तों, तो इन्हें हमें क्या करना है, पका लेना है अच्छा से। अब यहाँ पर लौकी के कलर लाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा कलर डाल रही हूँ, खाने वाला कलर यहाँ पर डाल देंगे और अच्छा से इन्हें मिक्स कर लेंगे। जो लौकी जैसे हरा रहता है तो हरा हलवा लौकेगा तो अच्छा लगेगा देखने में, ये लौकी का हलवा है। कलर डालने के बाद में अच्छा से हमें मिक्स कर लेना है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हल्का कलर कम लग रहा है तो ये थोड़ा सा और हम कलर यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डाल करके और मिला ली हूँ दोस्तों, पर मैं 1.5 चिटकी जितना कलर डाली हूँ। तो अपने कलर फीका या काढ़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम ड्राई फ्रूट भून कर रखे हैं दोस्तों, तो इसी में हम डाल देंगे, देखिए इस तरीके से। डालने के बाद में अच्छा से मिक्स कर लेना है इन्हें। अगर आप खोआ डालना चाहते हैं दोस्तों, मावा डालना चाहते हैं, चाहे मिल्क पाउडर डालना चाहते हैं, तो इसी टाइम में आप डाल सकते हैं दोस्तों, उससे एकदम सुपर टेस्टी और लाजवाब बनेगा। तो यहाँ पर मैं बिना मिल्क पाउडर, बिना खोआ, बिना मावा का बना रही हूँ दोस्तों, तो इसीलिए इस तरीके से बनाना बतला रही हूँ। इसी में मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर दोस्तों, 5-6 इलायची का बीज निकाल करके अच्छा से भूख ली हूँ और उन्हें डाल दी हूँ। और इन्हें इस तरीके से देखिए फैला फैला करके हमें इन्हें सारा पानी सुखा लेना है इस तरीके से। अगर आप घी और डालना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच और घी डाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर तो हमारा हलवा बन करके इसी तरीके से तैयार हो गया है। तो ये हलवा आप कम घी में बनाना चाहते हैं तो एक बार ये मलाई डाल करके जरूर बनाइएगा, एकदम आसान तरीके से लाजवाब हमारा ये हलवा बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर गैस पर से नीचे उतार दी हूँ और एकदम लच्छेदार हमारा हलवा सुपर टेस्टी डिलीशियस बन करके तैयार हो गया, एकदम हलवाई के स्टाइल में। तो इस तरीके से दोस्तों एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, एकदम टेस्टी लगेगा दोस्तों। और कम सामान से कम समय में और एकदम बाहर से कोई भी सामान नहीं लाना पड़ेगा, एकदम सुपर टेस्टी लाजवाब हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया है। और देखिए ढेर सारा बना है दोस्तों। तो इस तरीके से कब बना रहे हैं एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे कि कब बना रहे हैं। आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास में गिरे और आप लोग देख पाएंगे। मेरे चैनल को दोस्तों ढेर सारा सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और इसी तरीके से मैं दोस्तों हर एक दिन आप लोग के लिए नए नए रेसिपी लेकर के आती हूँ इस चैनल पर, एकदम आसान तरीके से रेसिपी लेकर के आती हूँ, दिखाती हूँ, बनाती हूँ दोस्तों। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा मेरी, और वीडियो देखने के बाद में दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ढेर सारे फैमिली में दोस्तों में ये रेसिपी शेयर करिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग भी जब भी बनाइएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगी है। दोस्तों आज की हमारी रेसिपी आप लोग कैसी लगी है दोस्तों, मेरे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार करिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और इस तरीके से एक बार जरूर हलवा बनाइए और खाइए।